अच्छा, दिन भर में अगर हम बात करें जो किराया होता है, मालिक को कितना रुपया आपको देना पड़ता है? 300 रुपया लेते हैं डेली। अच्छा, 300 रुपया। कमाती कितना है दिन भर में? पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ ले रहे हैं। 500 रुपया तक हंसते हंसते, क्योंकि रूट नंबर जौनपुर का लग गया है करने के लिए, गलत काम करने के लिए, किसी उनके संग भागने के लिए, कहीं उनके साथ सोने बैठने के लिए, ये सब चीजें हैं गलत काम, यही सब है। बाकी दारू तो लोग, पति जो है वो कहा जाए, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रही है वो किसी दूसरे लड़की के चक्कर, दूसरे लड़की, ये आपने पकड़ा देखा या कैसे समझा? बहुत ही पकड़े थे साबुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी हम यूपी के जौनपुर में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ आप ये देख सकते हैं एक महिला है और ये ऑटो चलाकर अपने जीवन की परवरिश, अगर कहा जाए, या अपने बच्चों की परवरिश के लिए ये ऑटो चलाती हैं। और साहब, जब महिलाएं इस प्रकार का कदम उठा लें समाज में कार्य करने के लिए और अच्छा कार्य करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी चर्चाएं जो हैं वो बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। क्या है कुछ इनकी कहानी, क्या क्या ऐसी इनके इनकी क्या ऐसी परिस्थिति है कि जो उस परिस्थिति में ये ऑटो चला के अपने परिवार का जीवन यापन करना शुरू कर दें, हम इन्हीं से खास बातचीत करेंगे और इन्हीं से समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? पिंकी यादव। अच्छा, पिंकी यादव जी, आपका घर कहाँ है? नईगंज। अच्छा, जौनपुर। जौनपुर जी। ऑटो कब से चलाने लगे? 2 महीना हो गया। अच्छा, 2 महीना से आप ऑटो चला रहे जी। इसके पहले आप क्या करते थे? पहले मॉल में काम करते थे। अच्छा, पहले मॉल में काम करते जी। उसके बाद फिर आपने ऑटो चलाना शुरू कर दिया, तो ये ऑटो चलाने का वजह क्या है? पिंकी जी, अगर आपसे सवाल किया जाए कि आपने 2 महीना से ऑटो क्यों चलाना शुरू किया, तो सबसे बड़ा कारण क्या? तो पहले मैं नमस्कार कर दूं भैया की न्यूज़ चैनल में, जितने दर्शकों देख रहे हैं नमस्कार है हमारी तरफ से। तो मेरा रीज़न यही है, मजबूरियाँ यही है कि जो शादी हुआ था, पति छोड़ दिए हैं, रिलेशन कुछ नहीं है, और एक बच्चा। आपको छोड़ दिया? जी। हाँ। तो पीता उता था और मतलब पति जो है वो दारू पीता था जी, दारू। अब देख लीजिए मित्रों, ये पिंकी यादव हैं और ये जौनपुर के शहर में आज ऑटो चलाती हैं और ये कह रही हैं कि पति जो है वो पीता उता था, मारता था, और उससे मेरा रिश्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है, ये सही? ख़त्म हो गया दोस्तों। आप नीचे आ जाइए, इधर थोड़ा हम लोग छाँव में खड़े होकर बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने ऑटो ऑटो पे हैं, अपने ऑटो पे इधर आ जाइए, थोड़ा सी ऐसे बात करते हैं। हाँ, इधर। फिर पति आपका आपको छोड़ दिया? जी, छोड़ दिए हैं दो। हाँ हाँ जी। तो ये क्या कारण हुआ जो पति ने आपको छोड़ दिया? जैसे दारू पीता था और दूसरे के चक्कर में शादी ब्याह कर लिया था, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। एक चार शादी कहाँ हुई थी आपकी? यहाँ लाला बाजार थोड़ा से। हाँ हाँ, यहीं पर हुआ था। हाँ हाँ, बाकी बच्चा है 4 साल का। हाँ हाँ, तो उस मेरे पास ही है। हाँ हाँ, तो इसलिए मैं ऑटो रिक्शा चला रही हूँ 2 महीने से। हाँ हाँ, जी। ऑटो चलाना, रोड पर ऑटो चलाना, ये तो बहुत बड़ा संघर्ष है। अभी तक आदमी को आप चलाते हुए देखी होंगी, लेकिन आज आप ऑटो चला रही हैं, तो दिन भर में क्या कुछ परेशानियों को झेलना पड़ता है, क्या कुछ झेलती हैं पिंकी यादव? बहुत ही झेलना पड़ता है दोस्तों, और मैं क्या बताऊं, बहुत ही लोग कैस किस किस बात करते हैं, सुनना पड़ता है और देखना पड़ता है, सब चीज़ झेलते हैं। सुबह 8 बजे से ऑटो निकलती है, शाम को 7-8 बजे खड़ी होती है। मतलब 12 घंटे लगातार आप ड्यूटी करती हैं? 12 घंटा जैसे ड्यूटी करा जाता है वैसे मैं इसको चलाती हूँ दिन भर। कभी कभी नसीब नहीं होता खाना खाने या चाय करने का जी, तो दिन भर ऐसे मैं रह जाती हूँ। ऐसा थोड़ा सा प्यास, खाना तो भूख तो लगता ही होगा, मगर क्या कंट्रोलिंग अपना रखते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ कमाने के लिए, तो करना पड़ता है हमको दिन भर। अच्छा पिंकी यादव, ने आपने कोई गलत कदम नहीं उठाया, आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आपका नाम खराब हो, आज आप संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो आप दिन रात एक पुरुषों की तरह हार्ड वर्क कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं जो हैं, जब उनका पति छोड़ देता है तो वो टूट जाती हैं और टूट कर कुछ गलत कार्य करने लगती हैं, उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी पिंकी यादव? कठिन तो समस्या बहुत ही आए हमारे ऊपर, बहुत झीले, बहुत ही परेशानी झील के मैं आज ऑटो रिक्शा हमको चलाना पड़ रहा है। कुछ हमको काम नहीं हो ऐसा मिला, कुछ हमको लोग ऐसे बताएं कि ऑटो आप चलाइए। एक लेडीज जौनपुर के रहने वाली थी। अच्छा, आप सीखी कैसे ऑटो चलाना पिंकी जी? पहले मैं स्कूटी चलाती थी। अच्छा, साइकिल चलाई, स्कूटी चलाई, मैं चलाती हूँ। पहले मॉल में काम करती थी तो स्कूटी से मैं जाती थी। तो मैं अपने कमा के, वो भी स्कूटी मैं ही ली थी। अच्छा, तो ये मैं किराए पे चला रही हूँ ऑटो, मालिक की गाड़ी है अभी। तो अच्छा, दिन भर में अगर हम बात करें जो किराया होता है,
मालिक को कितना रुपया आपको देना पड़ता है? 300 रुपया लेते हैं डेली। अच्छा, 300 रुपया। कमाती कितना है दिन भर में पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ ले रहे हैं। 500 रुपया तक हंसते हंसते, क्योंकि रूट नंबर जौनपुर का लग गया है, जितने ऑटो बहुत ही हो गए हैं ऑटो यहाँ पर, तो रूट नंबर 10 मिला है हमको, तो यहाँ से सिटी से पॉलिटेक्निक लाइन बाजार और वाजिदपुर अम्बेडकर नगर यही सब मिला है रूट हमको। 500 तक हो जाता है दिन भर 12 घंटा। 500-600 रुपया मतलब आप अभी 300 रुपया ले जाके मालिक को दे देंगी और उसमें से 200-300 रुपया आपका बचेगा। बच्चे का क्या नाम है और बच्चे को पढ़ा लिखा कर क्या बनाना चाहती हैं? उसको बनाना तो बहुत ही बड़ा ख्वाहिश है हमारा अभी। तो डीएम थोड़ा से बच्चा कितने में पढ़ता है? 4 साल का अभी, थोड़ा से छोटा है। बच्चे को क्या बनाना चाहती है एक बार फिर से बताइए दर्शकों को। डीएम बनाना चाहते हैं उसका मेरा जी, मैं डीएम बनाना चाहती हूँ। बच्चे का दिवांग का नाम है। दिवांग जी, दिवांग यादव। दिवांग यादव। मित्रों आपको बता दें कि ये दिवांग यादव की माता पिंकी यादव हैं। इनके मांग भी देखिए आप सिंदूर नहीं है, और अगर हम बात करें तो ये पुरुषों की तरह इस समय जौनपुर के रोडों पर ये ऑटो चलाती हैं। मित्रों इनकी संघर्ष कहानी जो है वो मुझे देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए कि समाज में एक महिला जो है इस प्रकार की मेहनत करती है कि वो लोगों के लिए आइडियल बन जाती है। पिंकी, जब आपके पति आपको छोड़ रहे थे तो आपके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि दूसरे के साथ शादी करके वहाँ जीवन सेट कर लिया जाए? कभी नहीं सोचे हैं। एक बच्चा था तो मैंने शादी सोचा, कोई एक तो ऐसा निकला, दूसरा करेंगे वो भी ऐसा निकला, तो मतलब नहीं है शादी विवाह करने के लिए, बार बार नहीं होता है। एक बच्चा है, हम उसको गुजार लेंगे, हम यही सोचे हैं और बाकी कुछ नहीं। बच्चे को डीएम बनाएंगे? जी बनाएंगे डीएम। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे ऑटो चलाकर अपने बच्चे को अपने डीएम बनाना है? डीएम की पोस्ट आप जानती हैं, जिले की सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं वो डीएम होते हैं, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। पूरा जिला जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैंडल करते हैं, अर्थात जिला अधिकारी करते हैं। तो ये इतना बड़ा प्रेरणा और इतनी बड़ी सोच आपके दिमाग में पिंकी यादव जी कहाँ से आई? कुछ देख के आया था दिमाग में, कुछ बनाना है, कुछ नाम होगा, यही सब चीज़ें हुआ। बाकी बच्चा आपका मेहनत से पढ़ता है? जी पढ़ता है। कभी वो संघर्षों का दिन जब याद करती होंगी जो पति के साथ शादी करने के बाद कितना दिन तक अपने ससुराल में आप थी? 1.5 साल या 2 साल तक बस। 1.5-2 साल। अच्छा, उस 1.5-2 साल में क्या कुछ पति का रिएक्शन रहता था और कैसे आपका जीवन बीता था? अभी आपका जीवन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत संघर्षों से बीत रहा। संघर्षों तो बहुत तो ही बीता दोस्तों, मैं क्या कहूँ उसके बारे में, कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। बाकी आगे के जो आया है उसको मैं देखूंगी, जो बीत गया उसको जाने दूँ। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं पिंकी यादव जो आपसे सीखना चाहती हैं, जो आपसे मतलब कहीं कहीं वो आपको देखकर सीखेंगे और जो संघर्ष नहीं करती हैं, अपने जीवन में हरासमेंट हो जाती हैं, अपनी जीवन लीला अगर बात किया जाए समाप्त कर लेती हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो बहुत सारी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, तो देखने के बाद उन लोगों को तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जी। तो बताइए ना कैसे, मतलब पति जी से क्या कुछ हुआ जो वो आपको छोड़ दिया और आज आप ऑटो चला रही हैं रोड पर, संघर्ष कर रही हैं? शुरू का कुछ बताइए, कैसे मतलब कैसे मन मुटाव शुरू हुआ? मन मुटाव यही हुआ था, आज लोग कुछ आम बात हो गया है सब चीज़ें करने के लिए, गलत काम करने के लिए, किसी उनके संग भागने के लिए, कहीं उनके साथ सोने बैठने के लिए, ये सब चीज़ें हैं गलत काम, यही सब है। बाकी दारू तो लोग, पति जो है वो कहा जाए जिस प्रकार से आप आरोप लगा रही है वो किसी दूसरे लड़की के चक्कर जी, दूसरे लड़की। आपने पकड़ा देखा या कैसे समझा? बहुत ही पकड़े थे, साबूत भी था, मगर अब तो नहीं है फिलहाल, मोबाइल चेंज हो गया मेरा, अभी नहीं है मेरे पास। कहीं कहीं आपने इस चीज़ों को देखा, उसके बाद आपने ही छोड़ने का फैसला लिया? जी हम ही छोड़ दिए उसको। आप ही ने छोड़ दिया? जी। बच्चा आपका किस क्लास में पढ़ता है? अभी तो UKG में है। जीरो में। छोटा छोटा है। 2 महीने से लगातार आप ये ऑटो चला रहे हैं? जी 2 महीने से चला रही हूँ। बाकी बहुत सारे दर्शक जो हैं वो आपकी वीडियो को देख रहे हैं, तमाम लोग आपके लिए अच्छा कमेंट कर रहे हैं कि एक महिला जो है वो जौनपुर में ऑटो चलाकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, उन तमाम दर्शकों के लिए क्या कुछ कहेंगे पिंकी यादव जी? मैं दर्शकों को मैं पहले नमस्कार करती हूँ, जो भी मेरे मजबूरियाँ तो आप लोग देखते ही होंगे, और क्या बताएं उसके आगे, कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। 8 बजे से लेकर आप 8 बजे ऑटो निकालती हैं और 8 बजे से रात 8 बजे तक चलाती हैं, तमाम मीडिया नेटवर्क आपकी अगर वीडियो देख रहा है
अगर तमाम लोग आपकी वीडियो करना चाहें तो वो कहाँ कहाँ आपको पा सकते हैं? मैं जौनपुर में ही रहती हूँ। शहर में? जी शहर में ही रहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ। मैं यहाँ अपने पॉलिटेक्निक से यहाँ नईगंज। शुरुआत कहाँ से करती हूँ? शुरुआत मैं नईगंज से मैं करती हूँ। अच्छा, नईगंज से जी शुरुआत करती हूँ। हाँ, 8 बजे से मैं वहाँ से करती हूँ पॉलिटेक्निक या जेसिस, बस यही अपने जौनपुर में ही रहती हूँ। अपने जौनपुर में ही रहती जी। प्रिय मित्रों, मैं तमाम उन मीडिया नेटवर्क से या मीडिया चैनलों से ये निवेदन करूंगा कि पिंकी यादव की स्टोरी आप लोग दिखाइए। बेचारी संघर्ष कर रही हैं। अभी हाल में ही जौनपुर ज़िले की एक महिला ने वीडियो बनाया, एक महिला अगर बात करें वो ऑटो चलाती थी, ई रिक्शा चलाती थी, कहीं कहीं अखिलेश यादव तक ये खबर पहुँची। अखिलेश यादव ने उस महिला को बुलाकर सम्मानित किए, उसको कुछ आर्थिक मदद भी किए और एक ई रिक्शा भी गिफ्ट दे दिए। कहीं कहीं वैसे कहानी पिंकी यादव की भी है। इनके पास भी अगर हम बात करें, ये जो ई रिक्शा चला रही है, ये आपका खुद का है या भाड़े का? भाड़े पर। अच्छा, ये आपका भाड़े पे? भाड़े। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंच रही है या तमाम लोगों तक पहुंच रही है तो कुछ न कुछ आर्थिक सहायता, कुछ न कुछ मदद जो है वो आप लोग पिंकी यादव का करेंगे। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।